हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा माता जी, स्टार्ट कृष्णा। करें जी। ओम श्री परमात्मये नमः। अतः सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। हरे कृष्णा। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तमसी चेति तं श्रीनु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांषि राजसाः, प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यशों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भाहंकार संयुक्ताः, कामराग बलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्याशूर निश्चयान्। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयुः सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या, आहाराः सात्विक प्रियाः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कत्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफलाकां क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः।
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवयत् इज्यते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनम असृष्टनम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजानम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूर्ख ग्राहेनात्मनो यत् पीरया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलं उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्दानं राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणश ब्राह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा
ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तस्मादो मित्यु दाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्यन भिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्च शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्विचि चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रीद्वात्रयो विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः संपूर्ण समाप्तम्। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, म्यूट तो नहीं। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी, माता जी कोई आप म्यूट कर अनम्यूट करके आ जाइए, पूछ लीजिए माता। हरे कृष्णा, अपने को अनम्यूट कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सुनाई दे रहे हैं जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा माता जी, आ रही है, आ रही है ना? आवाज आ रही है, एकदम क्लियर आ रहा है आवाज। जी 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 माता जी जी। हाँ, पर जो आपको कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं उनका नहीं है। जी जी हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ हरे कृष्णा, बोल रहे हैं माता जी, जो अभी रिसाइटेशन का टाइम पड़े हैं ओम तत् एम सत, उसको लेके अभी आप डिस्क्रिप्शन में बोलेंगी? जी जी माता जी। अच्छा ठीक है माता जी, बस वही। हाँ हाँ मैं बताऊंगी आप ओम तत् सत इसके बारे में। जी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।
माता जी कीर्तन करें। हाँ मैं कर, आप करेंगी मैं करूँ? माता जी आप कीजिए। आप करेंगी तो कीजिए ना माता जी। माता जी कीजिए, माता जी मेरे पास बहुत आवाज है। हाँ क्या माता जी आप कर रहे हो? नहीं हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। चंद्रमुखी चंचल चित चोरी, चंद्रमुखी चंचल चित चोरी, सुगड़ सावला सूरत तोरी, श्यामा श्यामा एक सी जोरी, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। बजरंग चूनर केसर कारी, बजरंग चूनर केसर कारी, पट पीतांबर कावल कारी, पट पीतांबर कावल कारी, एक रूप अनुपम छवि न्यारी, एक रूप अनुपम छवि न्यारी, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। राधा राधा कृष्ण कन्हैया, राधा राधा कृष्ण कन्हैया, भवभय सागर पार लगैया, भव भय सागर पार लगैया, मंगल मूर्ति मोक्ष करैया, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। मंदहासन मतवारे नैना, मंदहासन मतवारे नैना, मनमोहन मन हारे चैना, मनमोहन मन हारे चैना, मृदु मुस्कावन मीठे बैना, श्री राधा कृष्णाय नमः। जय राधा कृष्णाय नमः। चंद्र चंद्रिका चम चम चमके, चंद्र चंद्रिका चम चम चमके, मोर मुकुट सिर
दम 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 के और मुकुट सिर दम 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 के युगल प्रेम रस छम 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 के युगल प्रेम रस छम 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 के श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः जय श्री राधा जय श्री कृष्णा श्री राधा कृष्णाय नमः त्रिसमय युगल चरण चित लाए त्रिसमय युगल चरण चित लाए सोनर जगत परम पद पाए सोनर जगत परम पद पाए राधा कृष्ण च यल मन भाए राधा कृष्ण च यल मन भाए श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः जय श्री राधा जय श्री कृष्णा श्री राधा कृष्णाय नमः जय राधा कृष्णाय नमः हरे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रज भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी आज तो है जी प्रभु जी और लोग भी बहुत कम है आज जी प्रभु जी अभी आएंगे दो चार मिनट के बाद जो भी डिवोटीज प्रश्न पूछना चाहते हो अपने हैंड रेस कर सकते हैं प्रभु जी जी हरे कृष्णा जी माता जी अभी कोई हैंड रेस तो आया नहीं है माता जी जी प्रभु जी आ जाएगा ये 5-10 मिनट के अंदर नहीं आते हैं पहले कम आते हैं काफी को तो पता ही नहीं है प्रभु जी कि हम ये 6:30 बजे खोल लेते हैं जी पता जी। भी नहीं है प्रभु जी परसों एक ने क्वेश्चन किया कि जब तक मेरी बारी आती है 8:30 बज जाते हैं मैं लेट हो जाती हूँ क्लास क्वेश्चन के लिए चले जाती हूँ वापस तो मैंने उनको बोला आप पहले पूछ लीजिए क्लास शुरू होने के पहले तो उनको पता ही नहीं था हम 6:30 बजे खोल लेते जी जी प्रभु जी बहुत को पता ही नहीं पूजा का हैंड रेज है जी माता हरे कृष्णा जी बोलिए बोलिए पूजा माता जी अपना प्रश्न पूछिए हाँ हरे कृष्ण बोल रहे हैं माता एडवांस्ड जो कोर्स है इसका बाद उसके लिए क्या करना है आप बोल दीजिएगा किसके लिए माता जी सेकंड लेवल का हाँ मुझे सेकंड लेवल में भी एडमिशन लेना है जी माता जी जैसे ही कल ये 18 क्लास पूरी होंगी ना आपके इसी व्हाट्सएप में जिसमें आप हैं हाँ। उसमें सारे लिंक आ जाएंगे सारे कोर्स के लिए आपको बताया जाएगा
अच्छा, फिर आपको जो समय सूट करे, जो आपको ज्वाइन करना है, आप उसमें लिंक भी आएंगे, सब कोर्स भी आएगा, समय भी आएगा जी माता। समय के साथ माता जी ग्रुप परिवर्तित होते जाएंगे, एडवांस जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे परिवर्तित होते जाएंगे। क्या बोले, मुझे ठीक समझ में नहीं आया माता जी। जैसे आपके जो ग्रुप हैं यही परिवर्तित होके एडवांस हो जाएंगे, है हाँ, ना हाँ, जैसे हाँ, जैसे आपके है ना, तो हाँ, आपको जो भी लिंक आएगा सब इसी पे आएगा। अच्छा ठीक है, मुझे वहाँ से चूज करना है। जी जी माता जी, जी जी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी उस वो जो संजय और विदुर कौन है, मेरा डाउट है ये उसका। वो जो संजय बोलता है ना, संजय वाचा, संजय तो ये वेदव्यास जी का शिष्य है और धृतराष्ट्र का सचिव है, सेक्रेटरी समझते हैं ना, सेक्रेटरी है धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र राजा है उस समय, उनका सेक्रेटरी है संजय, सचिव कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। और विदुर जो है, विदुर है, विदुर दासी पुत्र है, लेकिन पिता धृतराष्ट्र का, पांडु का, विदुर का एक ही वेदव्यास, ठीक है। ये लंबी स्टोरी है प्रभु जी, तो कभी समय हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो पिता एक ही है वेदव्यास, लेकिन दासी से उनका जन्म हुआ है, दासी पुत्र है विदुर। विदुर का पिता का नाम धृतराष्ट्र के राज्य में मंत्री है विदुर, बहुत ही योग्य है, बहुत ही काबिल है, और सारे इसको इसको भक्ति के उसको सब ये आपका ये शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, बहुत ही ज्ञानी है, प्रभु के ही वो पुत्र है। जैसे जैसे वेदव्यास जी के पुत्र पांडु भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, उसी और वही दासी पुत्र, ये दासी पुत्र है, पर पिता इनके एक ही, विदुर भी उनके ही पुत्र। जी जी प्रभु। लेकिन 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 माता जी उसके साथ तो कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ क्या? वो उस समय नहीं थे कुरुक्षेत्र के पहले, ये जो धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा है ना दुर्योधन, दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करके महल से निकाल दिया था विदुर को, विदुर को वो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, वो युद्ध के समय नहीं थे यहाँ पर। लेकिन वो भूमि के लिए नहीं, उनका वर्णन युद्ध के समय नहीं आता है, क्योंकि जब ये षड्यंत्र चल रहे थे पांडवों को सताने के लिए, उनको वनवास ये सब के लिए, तो विदुर विरोध किया, विदुर ने मना किया, तो दुर्योधन ने उनका अपमान करके उनको महल से चले जाने को कहा, वो पहले ही तीर्थ यात्रा में चले गए थे, युद्ध के समय वो नहीं थे बहु जी वहां। लेकिन वो भी तो बारिश था ना, वो सब बारिश नहीं थे, बारिश नहीं थे प्रभु जी, क्योंकि वो दासी पुत्र थे ना, इसलिए वारिस नहीं थी। जी पुत्र जी। दासी पुत्र है लेकिन उसका पिताजी तो वेद व्यास ही है ना? नहीं नहीं, वो कुछ चीजें फर्क है प्रभु जी, वो समझ के बाहर है, क्योंकि दासी पुत्र को रिश्ता नहीं दिया जाता। जी जी प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी मधुरा माता जी आई है, उन्हें को-होस्ट बना दीजिए। जी जी प्रभु जी जरूर। हरे कृष्णा जी 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 हरे कृष्णा माता जी, सॉरी माता जी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं माता जी कुछ नहीं है, तो ऐसे ही हम समय है इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, क्लास का समय हो गया है, एक ले लीजिए, एक ले लेते हैं। अच्छा अच्छा माता जी जी, क्योंकि लोग आ जाएंगे तब तक कम है ना। जी जी माता जी, वैद्यनाथ प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। माता जी मेरे को मतलब वो ब्रह्मा जी का पूजा नहीं क्यों नहीं होता, ये जरा बताएंगे थोड़ा? होता है प्रभु जी, पुष्कर में इनका बहुत सुंदर मंदिर है, पुष्कर राजस्थान में है, पुष्कर एक जगह है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ इनका मंदिर है प्रभु जी, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ, कम है लेकिन है, वहाँ पूजा होती है।
प्रभु। नहीं मतलब जैसे कि श्राप मिला था ऐसा कुछ था इसलिए ज्यादा पूजा नहीं किया जा। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहां इनका है मंदिर पुष्कर में है, राजस्थान में पुष्कर में, वो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है, श्राद्ध वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं वहां पुष्कर में, वहां इनका मंदिर है, अच्छा मंदिर है प्रभु जी, मैंने दर्शन किया है वहां मंदिर है, लेकिन कम है जी, कम है। अगर आप भागवत महापुराण पढ़ेंगे कभी जी, तो तब पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा समझने की बात है, गूढ़ रहस्य है इसमें, भागवत महापुराण जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा जी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो कितना वो है मतलब आप समझ जाएंगे तो गलत नहीं है, जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको अटपटे ढंग से सोच समझ सकते हैं जी। जी प्रभु जी, जी 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 धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं, जो है श्रद्धा तय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा जैसे हम जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अगर हम श्रद्धा के साथ करें तो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हम कर रहे हैं ये सब कुछ लेकिन बिना श्रद्धा के, तो हम समय जाया कर रहे, हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए श्रद्धा होना आवश्यक है। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी वैसे ही हमारा भगवान के प्रति स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। तो आज इसी श्रद्धा के बारे में बताया गया है, जैसे तीन गुण है प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो इसमें बताया गया है सतोगुण वाले में कैसी श्रद्धा है, रजोगुण वाले में कैसा, तमोगुण वाले में कैसी, यही तीन चीजों को अच्छी तरह से इस अध्याय में समझाने की कोशिश की गई है, इसके 17वें अध्याय में, तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। पहला जो श्लोक है इसमें वो अर्जुनोवाच, ये शास्त्र विद्मुत सज्ज यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण स्वत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, पूछ रहे हैं। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था, जिनमें देव तुल्य जो पुरुष है, जिनमें देवी गुण है, देवी गुण है उनमें जो देव तुल्य पुरुष है, और जो असुर असुरी प्रवृत्ति के हैं वो असुर है, दोनों के बारे में पूरी तरह से हमने कल के अध्याय में पढ़ा। आसुरी प्रवृत्ति देव तुल्य जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अपने को शुद्ध रखते हैं और उनका आचरण अच्छा है, सत्य बोलते हैं और शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों के नियम के अनुसार चलते हैं, वो है देव तुल्य पुरुष। और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो शास्त्रों को नहीं मानते, उल्टा शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और किसी नियम में बंध के नहीं रहते, अपने सनक के अनुसार कार्य करते, तो इस तरह से कहा है रजोगुणी है। और तमोगुणी जो है वो, तो ये तमोगुण तो बिल्कुल सतोगुण के उल्टा है, ये नशा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, शास्त्रों शास्त्र और भगवान को तो ये कहते हैं ये है ही नहीं, इस तरह से। तो ये जो तमोगुण है ये गुण थोड़ा सा समझने के लिए है कि पूरी तरह से कि ये अपने को अगर चाहे तो तमोगुणी व्यक्ति चाहे तो रजोगुण में आ सकता है, रजोगुणी चाहे तो सतोगुण में आ सकता है, और सतोगुण से ऊपर फिर वैष्णव के उसमें जा सकता है, इसके बारे में यहाँ फिर बताया गया है, भगवान ने बताया। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धाया देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तव शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, जो भी देहधारी जीव हम सब इसमें, तो हमारे द्वारा अर्जित गुण जो हमारे गुण है, हम सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है, उनके अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी,
रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, भगवान कह रहे हैं कि जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है इस गुणों के बंधन में आ जाता है। उसने कहा है कि भगवान ने कहा जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को जानते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। प्रकृति के तीन गुण के द्वारा वे अपने सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है इसलिए वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। यदि कोई, इसमें कहा है कि प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो वह अपनी स्थिति सुधार सकता है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आ सकता है। इसके बारे में फिर भगवान ने बताया है इसके तीसरे श्लोक में, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जैसे कहा गया है गुणों के अनुसार श्रद्धा अर्जित करता है, वो सतोगुणी हो रजोगुणी या तमोगुण में। उसमें कहा है विशेष प्रकार की श्रद्धा, उसमें कहा है प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम हो सकती है, मध्यम और तमस, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके स्वभाव के अनुसार तीन हिस्सों में उसको हम बांट सकते हैं। और वृद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है व्यक्ति, श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। अगर इसमें कहा है हृदय सतोगुणी है तो श्रद्धा सतोगुणी रहेगी, अगर हमारा हृदय रजोगुणी है तो श्रद्धा रजोगुणी रहेगी, अगर तमोगुणी है तो श्रद्धा तमोगुणी रहेगी, ये तीनों में बट जाएगी इस तरह से। इसके बाद इसका चौथे श्लोक में कहा है, यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरशां चिराजसा प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और अपने सुख के लिए करते हैं, उनसे कुछ भी मांगने के लिए करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, यक्षों में कुबेर भी आते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति जो है भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तीनों दिखाया है इसमें, ये देवताओं की पूजा करते हैं, यहाँ ये सब देवताओं की पूजा करते हैं, इनसे कुछ मांगते भी, ठीक है। और इस फिर यक्षों और राक्षसों की बात आई, और वही नहीं कुछ लोग तो अपने जो अधीनस्थ उनके कर्मचारी होते हैं उनसे अपनी पूजा कराते, वो भी है, और फिर कुछ भूत प्रेत की पूजा करते। ये भूत प्रेत की पूजा अभी भी होती है, ये सत्य है। इसमें ये भी है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो फिर देवलोक जाते हैं अंत में, यक्षों और राक्षसों की जो पूजा करते हैं वो इन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद यह है पांच और छठे श्लोक का अर्थ, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ असुरों के बारे में फिर से दिया है, जैसे हमने कल पढ़ा था, जो लोग दंभ तथा अहंकार घमंड से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध, जो शास्त्रों में जो तपस्याएं या जो यज्ञ दिए ही नहीं है उनके विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, अति आसक्त हैं इस भौतिक जगत के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति, और जो मूर्ख हैं जिन्हें ज्ञान नहीं तथा वो शरीर के भौतिक तत्वों को, शरीर को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते, वे असुर कहे जाते हैं। ऐसे के लिए यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी बहुत लंबे समय तक,
यहाँ तक कि उसके आधे शरीर में दीमक आ गई थी। ये दीमक है सब जो यहाँ दिखाया गया है, दीमक आ गई थी। उसने घोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए भी थे, और इसने ऐसा वरदान मांगा उनसे जिससे इसे कोई न मार पाए, हिरण्यकश्यप को कोई न मार पाए, ऐसा वरदान इसने ब्रह्मा जी से मांगा और उन्होंने दे दिया इसको। फिर इसका वध करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा, क्योंकि इसने वरदान ही ऐसा मांगा था कि इसे कोई मार ही न सके, न मनुष्य न पशु, न दिन में न रात में, न घर में न घर के बाहर, न हाथ से न हथियार से। इस तरह इसने ऐसा वर मांगा और ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो जब इसने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए, बहुत पूरी तरह से उनको मारना चाहा, क्योंकि प्रहलाद भगवान के भक्त थे बचपन से ही, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और इसका वध करने के लिए भगवान फिर नरसिंह रूप में आए। दूसरा दिया है क्योंकि ये जो तपस्या कर रहा था शास्त्रों के विरुद्ध, इसमें कहा है शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या, तो ये हिरण्यकश्यप वही कर रहा था। दूसरा यहाँ दिखाया है एक व्यक्ति जमीन के अंदर अपने सिर को डाले हुए पूरी तरह से, तो ये है इसके लिए कहा गया है कि अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं और शरीर के अंदर आत्मा है परमात्मा है उसको भी कष्ट दे रहे हैं। वैसे यहाँ फिर रावण को दिखाया गया, रावण इतना शक्तिशाली था, रावण ने सोचा था कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीधा वो सीढ़ी बनाएगा जिससे सीधा स्वर्ग जा सके, रावण की योजना थी, और इतना शक्तिशाली था उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। आपने देखा इसके हाथ में कैलाश पर्वत, इसके ऊपर शिव जी बैठे हैं, पार्वती जी हैं, नंदी है, गणेश जी हैं, सब है इसमें। इसने इसको उठा लिया और इसको ये लंका ले जाना चाहता, ये ले भी जाता, ये इतना शक्तिशाली था रावण, लेकिन भगवान ने जैसे ही देखा इसको यहीं दबा दिया, नहीं उठाने दिया इसको कैलाश पर्वत, इतना शक्तिशाली था, ये भी अमर होना चाहता था रावण भी हिरण्यकश्यप की तरह। इसके बाद एक और यहाँ दिखाया है अपना सिर जमीन के अंदर डाले, तो ये चीजें जो हमें यहाँ चार चीजें दिखाई हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध हैं। कठोर तपस्या या व्रत जो भी ये लोग कर रहे हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा उसको भी कष्ट दे रहे हैं। उसके बाद यह है हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता, एक्चुअली माता जी बच्चों के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए रोशनी माता जी आई है, एक्चुअली उनको दूसरे क्लास में भी बाद में जाना है, तो अभी अगर आप उनको को-होस्ट बना देंगे तो उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। माता जी मैं भी स्टॉप शेयरिंग करूं जी, माता जी अभी माता जी उनको कहिए थोड़ा कम टाइम दीजिए करके, ठीक है जी जी जल्दी से कर देंगे जी, उनको को-होस्ट बना देंगे। हरे कृष्ण, हाँ मैं बना रही हूँ जी माता जी, हो गया। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा माता जी, आप प्रेजेंट कर सकते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, या आई कवर इन शॉर्ट। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको किड्स के बारे में शो करने आई हूँ, बिकॉज हम लोग का किड्स का बैचेस भी चलता है, तो आपको उसी के बारे में जस्ट क्विकली आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन। So I welcome you all on behalf of Shishi Radha Govinda Iskcon Mangaluru, and Hare Krishna everyone. This is our proposed temple. You must be knowing that. हमारे यहाँ पे हर बैच वाइज क्लासेस हो रही हैं, जैसे आपको पता है ये एडल्ट्स के लिए भी हैं, यूथ के लिए भी हैं, और किड्स के लिए भी बहुत बढ़िया बैचेस शुरू हैं, तो मैं आपको उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट मंथ जो किड्स का बैच शुरू होने वाला है, दैट इज फ्रॉम 6th December to 22nd December नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पे दो एज ग्रुप में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दो एज हैं 6 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो दे विल बी इन द किड्स 1, और जो 11 से 15 साल के बच्चे हैं वो दे विल बी इन द किड्स 2, तो सेपरेट बैचेस हम लोग ले रहे हैं किड्स के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए, और इन दिस बैचेस वी आर टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ भगवद गीता के पूरे 18 चैप्टर्स हैं, इसके अलावा उनको
श्लोका के माध्यम से हम लोग उनको सिखाते हैं, और इसके लिए अलग अलग टाइमिंग्स भी हैं, जिस भी जो किड्स के हिसाब से जैसा भी टाइमिंग सूट होता है, तो अलग अलग बैचेस हैं। लैंग्वेजेस भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें ले रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नडा, तमिल एंड तेलुगु, एंड फॉर 18 डेज है, जैसे कि अभी आपका हो रहा है वैसे ही उनका भी है, लेकिन उनको काफी शॉर्ट में हो ताकि वो मजे से सीख पाए और वो कुछ उसमें लर्न भी कर पाए, तो उस वे से हम लोग लेते हैं उनके क्लासेस। और इसके अलावा बहुत सारी आर्ट वर्क भी है इसके अंदर, कहानियों के थ्रू हम उनको लर्निंग वगैरह सिखाते हैं, उसमें रोल प्ले के लिए लाइफ लेसन्स वगैरह ये सब चीजें हम उनको गाइड करते हैं। चिल्ड्रन को बड़ा मजा आता है, ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत अच्छे से ये चल रहा है हमारा किड्स का प्लान, बच्चे बहुत मजेदार तरीके से लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, हम बच्चों से बात भी करते हैं, और जो भी बच्चे अपना कुछ आर्ट वर्क शो करना चाहते हैं वो उसमें भी कर सकते हैं। एंड डेली जो हमारी क्लास की एक्टिविटीज हैं उसमें कीर्तन है, भजन हम लोग लेते हैं, प्रेयर्स लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने उनको क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में हम पूछते हैं, टीचिंग ऑन चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज का नॉलेज मिल सके, एंड उनके जो भी डाउट्स होते हैं, जो कि बहुत उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं राइट, तो उसके बारे में भी हम उनसे बात करते हैं। एंड यस, और हम उनको डेली एक माला महामंत्र की करने के लिए बोलते हैं, तो वो हमारे साथ में पहले करते हैं 18 डेज, और फिर हम लोग उनसे बाद में भी उनसे पूछते रहते हैं इन द ग्रुप की वो लोग कर रहे हैं या नहीं, तो दे कैन क्लियर देयर डाउट्स। और ये आप देख सकते हैं कुछ बच्चों की पेंटिंग्स है जिन्होंने इतनी अच्छे से बनाई है, बहुत ही मजेदार तरीके से वो उनको भेजते हैं और बोलते हैं माता जी देखिए मैंने ये बनाया, ये ड्रॉइंग बनाया है, तो आप प्लीज अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, सारे के सारे कोर्सेस हमारे टेम्पल की तरफ से फ्री है, और ये पेंटिंग्स हैं जो बच्चे हमको बना के भेजते हैं। दिस इज होमवर्क, वी गिव होमवर्क ऑल्सो, तो अगर जिसको भी करना है बच्चे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, जैसे योग क्या है एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देते हैं। एंड 18 सिंपल लेसन फ्रॉम भगवद गीता हम उनको टीच करते हैं, जैसे 1 डे का 1 कोर्स, एंड जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट में लिया था जगन्नाथ के ऊपर कॉम्पिटिशन लिया था, उसमें उनका पास ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन था, श्लोका कॉम्पिटिशन था, सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, स्टोरी टेलिंग, एंड प्राइजेस भी हमने उनको दिए थे, तो इस तरीके से हमने उनका कॉम्पिटिशन लिया था। तो एक्चुअली में हमें ये सब कब स्टार्ट करना चाहिए, सबको पता ही है कि माता जी आपको बता ही रही हैं कि ध्रुव जी ने कितनी जल्दी एज में शुरू किया था, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें जरूर से इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। तो आपकी आपकी घर में जो बच्चे हैं या आप जिनको भी जानते हैं, आप प्लीज उनको लिंक सेंड करिए, और जैसा उनका एज ग्रुप रहेगा किड्स 1 या किड्स 2 में उनको रजिस्ट्रेशन करने को बोलिए। और एक या दिस इज गीगो, लाइक जैसे हम लोग माइंड में जो चीजें डालते हैं वैसे ही हमारा आउटपुट भी आता है, हम देखते हैं बच्चे क्या बातें कर रहे हैं आजकल, तो जैसे हम माइंड में फीड करेंगे वैसे ही वो लेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट लाइक दिस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर दैट वी हैव राधा गोविंदा स्कूल ऑल्सो, स्कूल भी है यहाँ पे, लाइक अगर बहुत से लोग पूछते हैं कि 18 डेज के बाद में क्या होगा माता जी, फिर उनका बच्चों का कि उनका कोर्स होने के बाद, तो देन दे विल गो टू स्कूल एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका जो क्लासेस होती है वो संडे को ही होती है ताकि उनकी पढ़ाई के साथ में कोई क्लैशेस ना हो, ठीक है। सो दिस वी विल शेयर इन योर ग्रुप, जो हमारे स्कूल है वो सिर्फ संडे को होता है, उसमें हम उनको अच्छे से पढ़ाते हैं और भी बेसिस हैं, तो उनकी एज वाइज हम लोग उनको क्लासेस में लेते हैं, जैसे 6 का है तो 1st में होगा, 7 का है तो 2nd में होगा, और इसकी एक बुक आती है, बस वो बुक उनको पढ़ना होती है, वो पास करके फिर वो जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बस वो एक बुक ही परचेस करना है, बाकी पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है उनके लिए। ओके, सो नो कोर्स फीस है, बहुत ही अच्छा है, एवरीवन कैन डू दिस, सारे के सारे बच्चे जो कि 15 साल से कम के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए माता जी, आई लीव। हरे कृष्णा माता जी, बहुत जल्दी जल्दी किया आपने, क्या माता जी मुझे आपकी क्लास में, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हम बहुत ही सुंदर है ये जो बताया गया है, 8 से 10 उसमें अर्थ दिया गया है यहाँ भोजन के बारे में, सतोगुणी को कैसा भोजन पसंद है, रजोगुणी को कैसा भोजन पसंद है और तमोगुणी को कैसा भोजन पसंद है, और इस भोजन के गुण भी साथ में बताए गए हैं इससे, तो ये आपको मैं बताती हूँ। तो इसमें पहले दिया है जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है या सतोगुणी को जो भोजन प्रिय है, उसके लिए कहा गया है कि वो ऐसा भोजन जो शुद्ध शाकाहारी भोग, मैं आपको कहती हूँ, ऐसा भोजन आयु को बढ़ाने वाला है,
जीवन को शुद्ध करने वाला है तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। कौन सा भोजन? जो भोजन सतोगुणी को पसंद है या शुद्ध शाकाहारी भोग जिसको हम कहते हैं, ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा मन को भाने वाला है। ये भोजन सात्विक व्यक्तियों को जो भोजन प्रिय है वो एक तो आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है तथा बल प्रदान करने वाला है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। इतने गुण है इस सात ये जो सतोगुणी जो भोजन है या सात्विक जो भोजन है उसमें। उसके बाद यह है अत्यधिक तिक्त कड़वा खट्टा नमकीन गरम ज्यादा गरम चटपटा शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। एक तो ज्यादा कड़वा है, ज्यादा खट्टा है, अधिक नमक है, ज्यादा गर्म है, चटपटा है, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला जो भोजन है वो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन जो है वो दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, ऐसा भोजन जो। और उसके बाद तीसरा जो है जो भोजन तमोगुणी को प्रिय है वो है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूटा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तीसरा तमोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन पसंद है जो लंबे समय से पका के रख दिया गया उसमें, क्योंकि जब बनाया हुआ भोजन कई घंटों रहेगा तो अवश्य ही वो स्वादहीन होगा। वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा ऐसी वस्तुओं से जूठी तथा न छूने वाली वस्तुओं से युक्त भोजन ऐसी वस्तुओं से वो भोजन बनाया गया उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। इसमें दिया है ये शुद्ध शाकाहारी भोग है। इससे आपको कितनी चीजें बताई हैं, आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला, ये जो सतोगुणी जो भोजन है इसके लिए कहा है। और अगर इस भोजन को हम भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं फिर तो ये अमृत हो जाता है हमारे लिए। दूसरा रजोगुणी व्यक्ति को देखिए मिर्ची तेज मिर्ची ज्यादा गर्म चटपटा इस तरह का जो भोजन है ये रजोगुणी व्यक्ति को पसंद है और बासी भोजन जो है वो तमोगुणी को पसंद है। इसके बाद यह है यज्ञों में, अभी यज्ञ पहले भोजन के विभाग थे श्रद्धा के अनुसार, अभी यज्ञ के यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। मैं यज्ञ की बात आई है तो वही यज्ञ सात्विक है, इसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक तीनों यज्ञों के बारे में बताया गया है। पहला जो यज्ञ है सात्विक है जो सतोगुणी व्यक्ति करता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार करता है, शास्त्रों में जैसे बताया गया है उसके अनुसार करता है। दूसरा कर्तव्य समझकर करता है और वो फल की इच्छा से नहीं करता है, वो इस कार्य को अपना कर्तव्य समझकर शास्त्रों के अनुसार संपन्न करता है। इसके लिए कहा गया है ये जो यज्ञ है वो सतोगुणी है, सतोगुणी। और दूसरा इस कलयुग में आपको पता है यज्ञ कर पाना आसान नहीं है, ना ही उतने जैसे शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित मिल पाने आसान है और ना ही शुद्ध सामग्री, क्योंकि हवन सामग्री एकदम शुद्ध होनी चाहिए वो भी शुद्ध मिल पाने आसान नहीं। तो कलयुग का ये जहाँ हाथ दिखाया गया है, हाथ में माला दिखाई गई है, कलयुग का यज्ञ ये है। कलयुग में जो यज्ञ हम कर सकते हैं या जो यज्ञ हमारे लिए आसान है वो है हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है कलयुग का यज्ञ। और इस यज्ञ में किसी भी यज्ञ से कम शक्ति नहीं है और इसी को अगर जैसे जप कर रहे हैं तो हम बैठ के इसको जप रहे हैं, अगर खड़े होके कीर्तन करते हैं तो इसी मंत्र का महामंत्र का तो वो संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो इस यज्ञ में किसी भी यज्ञ से कम शक्ति नहीं है और यह इस यज्ञ को
कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है। इसलिए हमारे उद्धार के लिए ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये दिया है, महामंत्र का जप या महामंत्र का यज्ञ। उसके बाद कहा है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कह रहे हैं, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे किसी भी लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, लाभ की इच्छा से गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो, जैसे घमंड से दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे यज्ञों में काफी पूंजी खर्च होती है, तो दिखाने के लिए दूसरों को गर्ववश फल की इच्छा से ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, उसे तुम राजसी जानो, फल की इच्छा से दूसरों को दिखाने के लिए गर्व के साथ जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ राजसी। दूसरा ये कहा गया, ये राजसी यज्ञ दूसरा बारहवें उसमें। इसके बाद आता है तीसरा, इसमें जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी कहा जाता है। अब तीसरा यज्ञ आया तामसी, इसमें न तो शास्त्रों के निर्देश माने गए हैं, न प्रसाद वितरण किया गया है और न ही मंत्रोच्चारण, बिना मंत्रों के ये यज्ञ हो रहा है, और पुरोहित जो है वहां उनको दक्षिणा दिए बिना, और न ही इस यज्ञ कर्ता की उस पर श्रद्धा है, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है, ऐसा यज्ञ तामसी है। इसके लिए यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, ये भस्मासुर है। कल मैंने आपको एक भौमासुर के बारे में बताया था, और यह है भस्मासुर। भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की, तपस्या की, शिव जी थोड़े से में खुश हो जाते हैं, शिव जी को भोला भंडारी भी कहा जाता है। शिव जी प्रसन्न हुए और ये अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए, खड़े हो गए, इसको कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांगो, क्योंकि इसने उनसे कुछ मांगने के लिए उनकी तपस्या की थी, मांगो। तो इसने कहा शिव जी को, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु बोल दिया कि ठीक है, मिल गया उसको वरदान। लेकिन वो एकदम उठा और अपने हाथ को शिव जी के सिर में रखने लगा। आप देखिए, तामसी मनोवृत्ति, जिनकी तपस्या की, जिनसे वरदान लिया, उन्हीं को भस्म करने चला है। तो शिव जी ने भगवान को याद किया, भगवान आए स्त्री के वेश में रूप में, और इसको कहा कि तुम मेरे साथ नृत्य करो पहले, उसके बाद तुम शिव जी के सिर में हाथ रखो, पहले मेरे साथ नृत्य करो, डांस करो। तो ये मान गया भस्मासुर। भगवान ने डांस करते करते इसको ऐसा एक पोज बनाया, भगवान ने अपना हाथ अपने सिर में रखा, इसको ध्यान नहीं रहा, इसने भी अपना हाथ अपने सिर में रखा और ये भस्म हो गया। तो देखिए ना, तो तामसी प्रवृत्ति, भगवान इसकी शिव जी की तपस्या की, शिव जी सामने आए, उनसे वरदान मांगा और उन्हीं से वरदान मांग के उन्हीं के सिर पर हाथ रखे उन्हीं को भस्म करने जा, ये है तामसी प्रवृत्ति। उसके बाद यह है इसका चौदवा श्लोक, इसमें कहा है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जव ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब शरीर पे तपस्या, शारीरिक तपस्या, परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। इसमें कहा है अहिंसा ही शारीरिक तपस्या, इसमें कहा जैसे परमेश्वर भगवान की पूजा करना, ब्राह्मणों गुरु माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, और पवित्रता, अपने को पवित्र रखना आंतरिक बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से भगवान का नाम का जप, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, बाहरी रूप से स्नान और धुले वस्त्र, सरलता, एकदम सरल स्वभाव, कुछ जैसे होता है ना, कुछ अंदर अलग है बाहर अलग है, ऐसा नहीं, एकदम सरल स्वभाव। कुछ बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती है, लेकिन भगवान का भक्त या सरल व्यक्ति जो है उसको भी वो दुश्मन के सामने भी रख देता है, ऐसा सरल स्वभाव। ब्रह्मचर्य, हमारे शास्त्रों के अनुसार 25 साल तक की उम्र को
ब्रह्मचर्य में रहने के लिए कहा गया है, और अहिंसा ये शारीरिक तपस्या। अहिंसा का मतलब होता है, हिंसा का मतलब होता है दूसरों को कष्ट देना, तकलीफ देना। अहिंसा, यहाँ अहिंसा का मतलब दिया गया है जब तक हम किसी को भक्ति मार्ग की ओर नहीं लाते हैं, समझा बुझाकर इस भवबंधन से निकलने का मार्ग नहीं सुझाते हैं, भक्ति की ओर नहीं लाते हैं, तो ऐसा सोचिए हम हिंसा कर रहे हैं। अगर हम किसी को भी भक्ति के मार्ग की ओर ले आते हैं तो वो अहिंसा, और ये सब शारीरिक तपस्या है। ये हमारी शारीरिक तपस्या है। आपने देखा ये भक्त मंदिर में गया है, और ये दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम कहते हैं इसको, पूरी तरह डंडे की तरह लंबा दंडवत प्रणाम, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। हम लोग भी, स्त्रियां भी करती हैं दंडवत प्रणाम, हमारा थोड़ा सा तरीका फर्क है इसमें। और इसके बाद यह है इसका 15वां श्लोक है, अनुद्वेद करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। पहले आया था शारीरिक तपस्या, ये है वाणी की तपस्या। हमारी वाणी की तपस्या है हमेशा सच बोलना, सच बोलना है। दूसरा, जो ऐसे शब्द हम बोले जो दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को हितकर लगे, और ऐसे कटु वचन कभी न बोले जिससे दूसरे को दुख हो, चुभ जाए दूसरे को। कभी होता है ना, कोई ऐसे अशुभ शब्द बोल देते हैं, इतने कठोर शब्द, अंदर तक तकलीफ हो जाती है, दुख होता है मन को। ऐसे शब्द कभी मत बोलिए, सोचिए समझिए, अच्छा है चुप रहिए, चुप रहिए ऐसा बोलने से, क्योंकि भक्ति के मार्ग में जो भी भक्त हैं उनको कहा गया है कम बोले। कम बोलने में व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा, कम बोलेगा, सोच समझ कर बोलेगा। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, जैसे रोज भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, या ऐसे ही और शास्त्रों को पढ़ना, यही वाणी की तपस्या है। ये वाणी की तपस्या के लिए कहा है, सच बोलना है, और ऐसे शब्द बोले जो दूसरे को अच्छा लगे, हितकर लगे, दूसरे के हित के लिए, और कभी भी बिना सोचे समझे ऐसे शब्द मुंह से ना निकाले कि दूसरे को तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, उसे दुख हो, ऐसे शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। इसके बाद दिया है इसका 16वें श्लोक में, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं कहा है इसमें। मन की तपस्या के लिए कहा है, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करना, क्योंकि मन, मन की तपस्या है मन हमारा शांत रहे, भगवान के ध्यान में रहे, भगवत नाम का जप करे, उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना है। नहीं तो ये जो मन है हमारा इंद्रिय तृप्ति की ओर जाएगा। इसलिए कहा है कि इसके लिए कि प्रशिक्षण किया जाए, उसको हम कैसे बस में करें, मन को बस में करना कठिन है, बहुत कठिन है, ये हमने पहले 6वें अध्याय में पढ़ा है। अगर मन हमारा दोस्त है तो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाएगा, अगर मन हमारा दुश्मन है तो काम क्रोध लोभों की ओर ही खींचेगा हमको। तो इसलिए कहा है कि मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाए, उसको बस में किया जाए, जिससे वह सदैव परोपकार की सोचे। सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मुड़ा जाए, भगवत नाम का जप करें, हम सुनने की कोशिश करें, वैदिक साहित्य को पढ़ें, जैसे भगवत गीता को सुने पढ़े, भागवतम को सुने पढ़े, तो इस तरफ हम अपने मन को अगर लगाएंगे तो वो हमारा दोस्त हो जाएगा, और उसमें संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं, तब ये चीजें आ जाएंगी उसमें। और दूसरा, सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे परमहंस, परमहंस कहते हैं जिसको दीन दुनिया से कुछ नहीं लेना, सिर्फ भगवान की भक्ति। तो और स्त्री पुरुष ये संबंध ये नहीं जानते, इनके मतलब इनके उससे बाहर है, ये दोनों को एक सा ही समझते हैं, किसी में फर्क ये नहीं देखते, परमहंस के लिए कहा है। तो यहाँ तालाब में ये स्त्रियां स्नान कर रही थी, कन्याएं, तो यहाँ से निकले, तो ये जैसी थी वैसे ही रही, उनको पता है ये तो परमहंस है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है,
इनके पीछे पीछे आए वेद अभ्यास, तो ये फटाफट जाके इन्होंने देखे अपने कब वस्त्र सब पहन लिए सब। तब इन्होंने पूछा वेद अभ्यास जी ने कि इससे पहले सुखदेव गोस्वामी यहाँ से गुजरे थे तब तो तुम लोगों ने ये सब नहीं किया। तब इन्होंने बोला वो परमहंस है, उन्हें स्त्री पुरुष से कोई वो नहीं, लेकिन आप ग्रस्त हैं इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। इसके बाद दिया है सत्रहवें श्लोक में, श्रद्धाया परिया तप्तम तपस्तत् त्रिविधं नरे अफलाकांक्ष वियुक्त सात्विकं परिचक्षते, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। इसमें कहा है कि ये जो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, भौतिक लाभ की इच्छा से परे कौन है, भगवत भक्त, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, केवल भगवान की भक्ति करने वाले कौन है, भगवान के भक्त, ऐसे मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से अपार श्रद्धा से संपन्न या तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है, सतोगुणी तपस्या इसको कहा गया है। इसमें तीन चीजों का वर्णन आया, वृंदावन परिक्रमा, देखिए आप इसमें भक्त हैं सब और ज्यादातर नंगे पैर। ये जो वृंदावन परिक्रमा है ये 12 किलोमीटर, इसमें 2-2.5 घंटे में हो जाती है परिक्रमा। और इसके बाद जो बड़ी परिक्रमा है ये है गोवर्धन परिक्रमा, ये देखिए गुरु महाराज है और नंगे पैर चल रहे, ये परिक्रमा 21 किलोमीटर है, इसमें 6 घंटा लगता है, 6-7 घंटा भी लग जाता है क्योंकि बीच बीच में मंदिर है, परिक्रमा करते हुए मंदिरों के दर्शन करते हुए निकलते हैं तो इसमें समय लगता है, 6-7 घंटे इसमें लग जाते हैं। ये है गोवर्धन परिक्रमा, ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसे भगवान ने अपनी 7 साल की उम्र में इस छोटी उंगली में 7 दिन 7 रात उठाया था इंद्र के कोप से लोगों को बचाने के लिए, 7 दिन 7 रात इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाया था। अब हम उसी गोवर्धन परिक्रमा की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं जो है 21 किलोमीटर का एरिया है गोवर्धन परिक्रमा का। उसके बाद यहाँ नीचे आता है मायापुर परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा ये नवद्वीप है, वहां 9 द्वीप है, वहां कभी फेरी में जाना पड़ता है कभी बोट में जाना पड़ता है। तो ये जो नवद्वीप परिक्रमा है ये फरवरी मार्च के समय में होती है और एक हफ्ते की चलती है, एक हफ्ता ये परिक्रमा चलती है। इसमें बहुत लोग होते हैं, बाहर से भी काफी लोग आते हैं और ये जो मायापुर के जो लोग हैं इनका बहुत सुंदर अरेंजमेंट रहता है। उसमें सुबह 5 बजे शुरू करते हैं 2 बजे तक, 2 बजे जहां पहुंचते हैं वहीं रुकने का फिर पूरा अरेंजमेंट होता है, दूसरे दिन सुबह फिर वहीं से 5 बजे चलते हैं, कभी कभी बोट में या फिर फेरी में भी इसमें जाना पड़ता है क्योंकि ये द्वीप है अलग अलग जगह पर। इसके बाद दिया है इसका इसके बाद इसका 18वां श्लोक में, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं अचलम पूर्वम। जो तपस्या, जैसे पहली तपस्या भक्तों की थी वो सतोगुणी, ठीक है, अब दिया है जो तपस्या दम्ब पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थाई होती है और न शाश्वत। इसमें कहा गया है 18वें श्लोक में, जो तपस्या घमंड के साथ दम्भ पूर्वक सम्मान एवं सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है क्योंकि कुछ जो लोग हैं अपने अधीनस्थ जो उनके अधीन जो लोग हैं उनसे अपनी पूजा कराते हैं अपना सम्मान कराते हैं। कहा है एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है दूसरों के द्वारा, यह राजसी रजोगुणी कहलाती है। और ऐसी तपस्या जो है वो न तो स्थाई है और न शाश्वत है, इसके लिए कहा है न तो स्थाई है वो न ही शाश्वत है ऐसी तपस्या जो की जाती है। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार सम्मान पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं, तपस्या करवाने के बहाने एवं कृत्रिम इनको का आयोजकों का आयोजनों का
करते हैं, आडंबर करते हैं ताकि लोग देखें, लोगों को दिखाना, ये घमंड दिखाना, ये इनका वो रहता है। ऐसी जो तपस्या वो है रजोगुणी। इसके बाद यह है 19वां श्लोक में, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत पीड़िया क्रियते तपः परस्तोत साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। पहला रजोगुणी था, उसके बाद पहला सत्वगुणी था, फिर रजोगुणी था, अभी फिर तमोगुणी उसमें कहा गया है। तमोगुण के लिए मूर्खतावश बिना ज्ञान के आत्म उत्पीड़न के लिए अपने शरीर को कष्ट देना, अपने शरीर के अंदर आत्मा तथा परमात्मा को कष्ट पहुंचाने के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, कुछ के लिए जिससे दुश्मनी है, कुछ ऐसा उपाय है, ऐसे उपाय करना कि वो नष्ट हो जाए, विनिष्ट करने के लिए अन्यों को और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। आप देखिए किसी भी तरह से वो तपस्या मान्य नहीं है। दूसरों को कष्ट देने के लिए, आत्मा परमात्मा को तकलीफ देने के लिए, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ऐसा कौन करेगा? आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति, यह तामसी तपस्या कहलाती है। इसमें इसका उदाहरण दिया गया है, यह है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, वही दिखाया है, और ये विनिष्ट करना चाहता था अपने पुत्र को। इसमें कहा है ना, अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, अपने पुत्र को मारने के लिए इसने हर हर तरीका अपनाया। जहर दिया उसको, जहर पिलाया, पहाड़ी से फेंका, तेल की कढ़ाई में डाला, हर तरीका अपनाया। लेकिन वो भगवान के भक्त को, भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, ये उनको नहीं मार पाया। अंत में इसने अपनी बहन की गोद में चिता में तक प्रहलाद को बिठा दिया, क्योंकि इसकी बहन को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। इसलिए इसने सोचा वो तो बच जाएगी और प्रहलाद महाराज को वो मारना चाहता। वरदान होने के बावजूद होलिका आग में जल गई और प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते हुए चिता से बाहर आए। तो इसमें कहा है कि शास्त्रों के विरुद्ध ये लोग ऐसे कार्य करते हैं, अपने को भी कष्ट देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को कष्ट देते हैं। तो ऐसी जो तपस्या है वो तामसी कहलाती है। इसके बाद दिया है, इसके 20वें श्लोक में, दातव्यमिति तद्दानं दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समितं। अब बादी आई है दान की, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब बात आई है दान की, कि दान हमें हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, सही पात्र को करना चाहिए। अगर गलत पात्र को हम दान करते हैं उससे वो नशा करता है या जुआ खेलता है या कोई और गलत कार्य करता है तो उस दान का 50% पाप हमको भी जाता है। इसलिए कहा है दान हमेशा सही पात्र को करना चाहिए। दूसरा, ये नहीं सोच के कि इससे मुझे क्या फायदा होगा या मैं ये दान देकर दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा हूं, नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर, ये दान करना तो मेरा कर्तव्य है और किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, इस दान से मुझे क्या फायदा मिलेगा ये सोचे बिना समुचित काल तथा सही जगह पर सही स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। जैसे कहा गया है इसमें कि वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति की गई है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा, जो भगवत भक्ति में लगा हो, जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को दान देने के लिए इसमें शास्त्रों में भी कहा गया है। इसमें कहा है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, आध्यात्मिक सिद्धि का सदैव ध्यान में रखी जाती है। इसमें कहा है किसी भी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय या योग्य ब्राह्मण या वैष्णव भक्त को अथवा मंदिर में दान देने की संस्तुति है। इसमें कहा गया है
दान सभी इसमें कहा गया है कि जो एक तो देने के लिए कहा गया है मंदिर में दान देने के लिए भगवत भक्तों को जो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं उनको कहा गया है और मंदिर में और ग्रहण लगता है ना उसके समय सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय तो ये अच्छे समय बताए गए हैं दान देने के लिए और बिना किसी प्रतिउपकार की भावना के अपना कर्तव्य समझकर। यहाँ देखिए आप ये कृष्ण भक्त हैं जो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं उनको दान अगर ऐसे को आप दान देते हैं तो वो भगवान के काम में आता है भगवान की सेवा में लगता है। उसके बाद यहाँ नंद महाराज नंद बाबा दान दे रहे हैं जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो तब योग्य ब्राह्मण नंद बाबा दान दे रहे हैं। इसके बाद इसका 21वां श्लोक है इसमें कहा गया है यतो प्रत्युकारार्थम फलमुदीशो वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं श्रमृतं। अब राजसी दान के लिए कहा गया है किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से कि मैं ये दान देकर इन पर कृपा कर रहा हूँ उपकार कर रहा हूँ मैं ये दान देकर या कर्म फल की इच्छा से ये दान देने से मुझे ये फल मिलेगा या अनिच्छा पूर्वक इच्छा नहीं है दूसरे ने कहा तो दान दे दिया वह रजोगुणी है राजस कहलाता है। इसमें कहा है जो भी दान दूसरे पर उपहार करने की भावना से दिया जाए कर्म फल की इच्छा से दिया जाए या इच्छा नहीं है दूसरे ने कहा दे दो दान तो दे दिया अनिच्छा से दिया गया वह रजोगुणी राजसी कहलाता है। इसमें कहा गया है और आप देखिए ये थोड़ा सा कुछ है बैग में इनको दे रहा है कर्म उससे पहले सर्पिर खींच रहा है ये है राजसी। इसके बाद दिया है इसमें 22 में अदेश काले यदान पात्रे भयस्य दीयते असत कृतम कृतव ज्ञातम तत्नामं समुदाहृतम तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब इसमें बात आई है तामसी गुण की इसमें कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में गलत जगह पर अनुचित समय में और गलत समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को जो व्यक्ति उस पैसे से उस दान का गलत इस्तेमाल करेगा नशा करेगा जुआ खेलेगा या और कोई गलत कार्य करेगा समुचित ध्यान तथा आदर से न ध्यान से न आदर से देना है दे दिया वह तामसी कहला ऐसा दान तामसी कहलाता है। जैसे यह आदमी यहाँ पैसे मांग रहा है लेकिन पैसे मांग रहा है नशा करने के लिए पैसे मांग रहा है अब इसको कोई दान दे देगा अगर तो ये नशा करेगा तो 50% उसका जो पाप है दान देने वाले को भी जाएगा इसलिए कहा है दान हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद दिया है इसका 23वां श्लोक में सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत या हरि ओम तत्सत ये तीन शब्द जब भी घर में आप कोई पूजा कार्य करते हैं या कोई संस्कार कार्य करते हैं तो आपने ध्यान से सुनिए तब वो ब्राह्मण बार बार इसका उच्चारण करते हैं ओम तत्सत या हरि ओम तत्सत का वो उच्चारण करते हैं। इसमें ऐसे कहा गया है इसके 23वें श्लोक में तो इसमें कहा गया है कि ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है यह वैदिक साहित्य का सूचक है ओम शब्द। इसमें कहा है ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से वैदिक शास्त्रों से लिए गए ओम उपनिषद से और ये तत्शब्द जो है छांदों के उपनिषद से। इसमें कहा गया है इसमें कि ये तीनों मिलकर ओम तत्शब्द हो जाते हैं। आदि काल में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था
उन्होंने इन तीनों शब्दों द्वारा भगवान को लक्षित किया था। हम कहते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये ओम शब्द वैदिक मंत्रों में आते ही आते हैं, और ओम तत्सत ये तीन शब्द इसमें ऐसे बताया। इसके बाद ओम के लिखा है ये यज्ञ के समय, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी जब यज्ञ किया था तो इस शब्द का इस्तेमाल भगवान को इंगित करने के लिए किया था। और इसके बाद यहाँ दिया है कि एद्वे योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। योगी जनों के लिए कहा है वो ब्रह्म की भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, शास्त्रीय नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं या दान देते हैं या तपस्या करते हैं, समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। इसमें ओम का मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में भी रखा गया है इसको ओम को। इसके बाद इसका 25वां श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। इसमें कहा है जब भी यज्ञ हो, तप हो, दान हो, तो तत् शब्द कहकर उसको संपन्न करे। और वो तब जब मनुष्य कर्म फल की इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना इन सब को कर रहा, यह नहीं कि फल की इच्छा से कि मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मैं दान दूंगा तो उससे मुझे ये फल मिलेगा, ये सब सोचे बिना। इसमें कहा है कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तत् शब्द कहकर हम तब उसको संपन्न करें जब हम कर्म फल की इच्छा के बिना कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझकर जब हम ये कर रहे हैं, तो ऐसी जो दिव्य क्रियाएं हैं, क्योंकि उसमें हमें उस क्रियाओं से फल की वो नहीं है, इच्छा नहीं है, हम उसे अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं दिव्य कहलाती हैं। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। अगर हम अपना कर्तव्य समझकर और शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र में दिए गए नियमों के अनुसार यज्ञ तप दान करते हैं, तत् शब्द से समापन करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं से हम इस भवबंधन से मुक्त होते हैं। जिस भवबंधन में हम हैं उससे हम मुक्त होते हैं, ऐसा कहा। उसके बाद ये 26 और 27 श्लोक का अर्थ दिया। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। भगवान की खुशी के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में जो यज्ञ तप दान ये कर्म किए जाते हैं वो सत है। और क्योंकि हम उन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। शाश्वत कहते हैं जो हमेशा से हमेशा रहे, वो है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। जो हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, उनकी खुशी के लिए करते हैं, इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। इसमें कहा है भगवान की भक्ति में, भगवान की उसमें जो भी गतिविधियां जो हमें वो सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत हो जाता है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हो जाते हैं। इसमें कहा है वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं सम्मिलित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय में ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। जो भी हम घर में जब भी इस तरह के जो होते हैं संस्कार,
तो उनमें पंडितों को हम सुनते हैं बार बार ओम तत्सत या ओम ओम शब्द का इस्तेमाल करते हुए ऐसा इस वक्त। इसके बाद इसका 28वां श्लोक दिया है। श्रद्धाया तम दत्तम तपस्तप्तं कृतश्चयत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। लेकिन जो कुछ हम ये करते हैं, यज्ञ है, दान है, तप जो भी है, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, भगवान कह रहे हैं श्रद्धा के बिना अब यज्ञ कीजिए, दान कीजिए या तपस्या कीजिए, इसमें कहा गया है जो भी किया जाता है वह नश्वर है, नष्ट होने वाला है, वह असत कहलाता है, वह सत नहीं है, असत है, क्योंकि श्रद्धा के बिना किया जा रहा है और उससे ना तो इस जन्म में ना अगले जन्म में दोनों में कोई लाभ नहीं होने वाला। ये जो क्रिया हमने की है ये व्यर्थ जाता है, ऐसा कहा है। चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ है, अपूर्ण वैदिक इसमें कहा गया है व्यर्थ है, क्योंकि हम इसको उसके भगवान के इसमें श्रद्धा के बिना कर रहे हैं, इसलिए कहा गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा ही की संस्तुति की गई है। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है, इसमें कहा है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना मृत में कार्य करे, सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। शुद्ध अवस्था में लोग, इसमें कहा गया है कि जब शुद्ध अवस्था में हम भगवान की भक्ति करेंगे श्रद्धा से, तो ही हम इस बंधन से, भौतिक बंधन से निकल सकेंगे। और जब हम इस बद्ध अवस्था में हैं लोग, तो देवताओं, भूतों तथा यक्षों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हम इस सबको करते हैं। यद्यपि तीनों गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो यह व्यक्ति कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना मृत ग्रहण करे। कृष्ण भावना मृत का मतलब है भगवान कृष्ण की भक्ति। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो फिर हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। प्रभुपाद जी का कुछ शब्द हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों के प्रति, यक्षों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, सतोगुण तीनों गुण दोनों गुणों से ऊपर है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत को ग्रहण करता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, वो वैष्णव के उसमें आ जाता है और सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे परमेश्वर ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना मत ग्रहण करे। इस सातवें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। एक तारीख का कोई सवाल है? शुरू करना जी 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 प्रभु जी, जरूर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ने मेरे से पूछा था प्रणामी समुदाय के बारे में, पता नहीं मुझे याद नहीं है किसने पूछा। कविता माता जी ने पूछा था। माता जी जी माता जी वो है ना अभी? कविता माता जी, मैं ढूंढती हूँ माता जी, आप तब तक उसको प्रश्न ले लीजिए। कोई बात नहीं माता जी, नहीं होंगी तो जी माता जी हैं, कविता माता जी हैं, जी माता जी प्रभु जी, उसका उसमें है प्रणामी समुदाय हिंदू समुदाय है। जो प्रणामी समुदाय के लिए उन्होंने पूछा था, यह हिंदू समुदाय है। इसमें इसमें कहा है कि इसमें ये भगवान को मानने वाले, इसमें भगवान को मानने वाले अनुयायी शामिल है। इसमें यह ईश्वर में विश्वास, जो भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता
इसके लिए कहा गया। और 400 वर्ष पुराना है ये, ज्यादा पुराना नहीं है, 400 वर्ष में पहले ही इसकी स्थापना हुई है। ये स्थापना जो है देवचंद्र महाराज द्वारा हुई है। इस प्रचार का इसमें कहा है प्राणनाथ स्वामी तथा उसके छत्रसाल ने किया इसका प्रचार। जामनगर में नवतनपुरी धाम है जामनगर में गुजरात में, और प्रणामी धर्म मुख्य तीर्थ है वहां पर जामनगर में। इसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म या निजानंद संप्रदाय या प्रमाणी समुदाय भी कहते हैं। इसमें इसने जिसने इसकी स्थापना की उसकी भी पूजा होती है। जी प्रभु जी, कुछ भी लोग बना देते हैं ना, तो यही है ये प्रणामी समुदाय। कुछ जगह पर उन्होंने बताया था हरिद्वार में भी इसका मंदिर है कर। ये जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब ले जी, जी माता जी मेरा ना हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आज ना नेटवर्क ही नहीं आ रहा था माता जी अच्छे से, पर ये लास्ट वाला अभी जो मेरा प्रश्न का उत्तर में आ गया था नेटवर्क, मैंने सुन लिया सारा ना। जी 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 माता जी, ये गुजरात में है इसका मेन जो तीर्थ स्थान है माता जी गुजरात। ये जैसे हमारे वैष्णव जैसे करते हैं वैसा नहीं है ना माता जी? नहीं, फर्क है माता जी, फर्क है उससे, क्योंकि ये जिसने स्थापना की है उसकी भी पूजा होती है माता जी वहाँ। जी, लेकिन भगवान को ही मानते हैं, और ठीक है जी। हरे कृष्णा माता जी। और माता जी एक मेरे को ना एक और आपसे रिक्वेस्ट थी, कल तो लास्ट क्लास है तो ना आप एक बार वो माला एक बार दिखा देंगे जैसे किड्स में, मेरे मैं तो किड्स के उसमें आती हूँ, तो आप एक बार करके कल अगर दिखा दें हम लोगों को। जी तो, जी माता जी, जी जी माता जी, जी माता जी, शुरू में दिखा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं वो दान धर्म के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो दान हम लोग श्रद्धा से देते है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई डिमांड आता है जो डिमांड करके जो दान हम लोग देते हैं वो जाके अगर कुछ खराब काम में इस्तेमाल हो तब क्या होता है? इसलिए प्रभु जी उस अगर वो उससे नशा करता है, सपोज कोई हमको डिमांड करके जुआ खेलता है ऐसा कुछ करता है, तो वो जो अगर गलत कार्य कुछ भी करेगा तो उसका 50% पार्ट पाप हमको भी आता है। नहीं नहीं, अगर सपोज जो आदमी हमसे दान लेंगे वो हमको डिमांड करके धन संग्रह करके लेके, नहीं नहीं प्रभु जी वो गलत है। डिमांड करने का तो तरीका ही गलत है। आपको हमेशा हमेशा दान किसको करना है? जो भगवत भक्त है। आपको ये सोच के दान करना है कि ये जो मैं दान कर रहा हूँ ये भगवान के काम में आ रहा है कि नहीं भगवान के। ये तो ठीक है, लेकिन कोई कोई इंसान जो है वो डिमांड करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको ये करना है, हमको इतना पैसा चाहिए ही। ये तो दान नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ, ये दान नहीं हुआ। तो इसमें कुछ दिक्कत होता है क्या? ये गलत है दान। डिमांड करके किसी से मांगना तो ये दान कहाँ हुआ प्रभु जी? ये तो जबरदस्ती लेने वाली बात है ना। हाँ हाँ, ये दान नहीं हुआ। दान तो जो आप अपनी इच्छा से अपनी खुशी से और भगवान के बारे में कि ये भगवान के काम आए, मुझे यहाँ दान देना चाहिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हुंडी है वहां, तो हुंडी में डाल दिया। हुंडी में जो पैसा जाता है भगवान के कार्यों में खर्च होता है। जैसे कहीं भगवान का मंदिर बन रहा है वहां हम दान करते हैं, वो पैसा भगवान के मंदिर में लगता है। तो इस तरह के जो दान है ये दान है बाबू जी। कोई जबरदस्ती मांगे या गलत उससे मांगे या डिमांड करके मांगे तो वो दान नहीं है जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया माता जी। और एक सवाल था, मैंने एक तुलसी माला अमेज़न से खरीदा था जी, तो वो सही है या ओरिजिनल है या कैसे पता चलेगा? प्रभु जी कोई बात नहीं, जैसे भी है उसमें अगर 108 बीट है तो आप जब कीजिए उससे कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है जी प्रभु जी। कोई भी माला है जिसमें 108 बीट है, आप भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं उससे ठीक है जी प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता।
माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भगवान तो एक ही है, चाहे फिर लोग कितने भी अन्य धर्म बना ले और अन्य भगवान बना ले, तो फिर मरने के बाद उनकी आत्मा के साथ क्या होगा? वो इस पे निर्धारित करेगा कि जब कि जो धर्म उन्होंने माना है उसके हिसाब से वो धार्मिक थे या नहीं थे? जैसे हम मुस्लिम का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने जैसे 5 बार नमाज पढ़ी है नहीं, वैसे उस पे करेगा, या फिर इस पे निर्धारित करेगा कि जैसे कहते हैं आत्मा एक ही, मतलब आत्मा का कोई धर्म नहीं रहता, तो उसका मतलब भगवान तो एक ही है श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने भक्ति तो की नहीं तो वो भगवान के पास तो जाएंगे नहीं, तो उनका फिर हमारे शास्त्रों के हिसाब से ही उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलेगा उन्हें? माता जी, क्या है कि भगवान तो एक ही है, वो सही बात है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं जी, उनको मानने के, उनको पूजा करने के, उनका ध्यान करने के, सबके तरीके अलग अलग है माता जी, और जो भी अपने तरीके से कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है, जो जैसे भगवान के लिए कर रहा है भक्ति, लेकिन उसको जो मिलेगा उसके द्वारा जैसे कर्म उसने किए अच्छे या बुरे, जैसे मुसलमान है उसको 5 बार नमाज पढ़नी होती है, तो अगर वो अपने धर्म को अच्छी तरह निभा रहा है, क्योंकि वो हमारी तरह पूजा तो करेगा नहीं माता जी, जी माता जी, वो तो कुरान के अनुसार करेगा ना, जो कुरान में है, तो वहां भी अगर वो कुरान के, जैसे हम अपने शास्त्र के नियमों को मानते हैं, वो अपने कुरान के नियमों को उसी तरह मान रहा है तो वो सही कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे कर्म जो करेगा उसके अनुसार उसका अगला जीवन निहित है जी माता जी, जी परंतु जी। वो भगवत धाम तो कभी नहीं जा पाएगा ना माता जी, क्योंकि एक ही है ना, भगवत धाम ही सब कुछ है ना माता जी, वो तो जो क्या कहते हैं भगवत धाम, तो भगवान का अनन्य भक्त के सिवा कोई नहीं जा पाता जी, जो जी, परम जी। भक्त होगा भगवान का, पूरी तरह समर्पित होगा उनके चरणों में, वही जा पाएगा माता जी जी, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। पहला गुरु माता जी, हरे कृष्णा जी, बोले। मुझे ना आपसे थोड़ी शिकायत है। मेरे से शिकायत ये कि आपने, हाँ जी, क्योंकि आपने इतना कुछ अच्छा समझाया है, हमारे 18 दिन कब खत्म होने जा रहे हैं हमें पता नहीं लगा। हम चाहते हैं कि अभी जितना सिखाया है वो भी, आगे भगवत गीता बहुत बड़ी है, आप उसके बारे में भी बताएं। बेशक हमें नया ग्रुप बनाओ, नया कुछ करो, हमें जुड़ना है आपके साथ, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी। अभी जो नया ग्रुप आएगा ना 6 तारीख से जी, मैं उसको आपको वहां मिलूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं हूँ प्रभु जी वहाँ। बीच में थोड़ा ये गैप रह जाएगा, इस बीच में आप ये जो लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं, मेरे को नामनिष्ठा प्रभु ने कई बार कहा कि आप लेवल 2 लो प्रभु जी, अगर सब हम लेवल 2 में ले लगेंगे तो नए लोगों को कौन बताएगा जी, इसलिए मैं उनको कह रही हूँ कि मैं नए लोगों को मुझे करने दो, तुम लोग सब आ लो लेवल 2, तो मैं आपको यही मिलूंगी प्रभु जी। जी तो मैम हमें लिंक जरूर भेजेगा, हम रजिस्टर दोबारा होना चाहते हैं, हम दोबारा आना चाहते हैं प्रभु जी। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, आप जी लिंक जरूर भेजेगा, हम मैं औरों को भी रेफरेंस करूंगा जी प्रभु जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, इससे हमें, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। प्रियांक को पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। माता जी ऐसा था कि मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा वो सर्टिफिकेट और क्विज को लेके है जी, एक्चुअली मैं क्विजेस कर रहा हूँ डेली, तो आज क्या हुआ है कि वो क्विज की जो हिस्ट्री थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई, उसमें कुछ पुराना शो नहीं कर रहा है, तो क्या मुझे वो क्विज दोबारा जी? प्रभु जी यहाँ माता जी हैं, ये मथुरा माता जी हैं, अच्छा। ये आपको मदद कर देंगे, आप इनको पूछिए जी, जी जी, और ये प्रभु जी है ना, प्रभु जी ये लोग आपको बता देंगे जी प्रभु जी, और किसी का इनके इसमें से आप नंबर ले लीजिए, आप उनको पूछ सकते हैं प्रभु जी। आप ग्रुप पे किसी भी एडमिन को लिंक, मतलब बता देंगे अपनी प्रॉब्लम, या फिर किसी को भी आप मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक सर, जय श्री कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी।
रविंद्रनाथ प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए माता जी। मेरा प्रश्न है, मायापुर परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा क्यों की जाती है इतना लंबी? ये तपस्या है प्रभु जी। अच्छा, शारीरिक तपस्या से... इसको शारीरिक तपस्या कहते हैं। तो इसके लिए कोई बुजुर्ग है कोई वो तो नहीं कर पाएगा ना इतना? कर पाते हैं बुजुर्ग, रिक्शे में करते हैं, पैदल नहीं करते हैं। अच्छा, बुजुर्ग लोग रिक्शे में करते हैं, गाड़ी वहां अंदर नहीं जा सकती है परिक्रमा मार्ग में, पर रिक्शे चलते हैं प्रभु जी, रिक्शे में कर सकते हैं पूरी परिक्रमा जी। और हम लोग माता जी मंदिर में भी 4-5 बार परिक्रमा करते हैं मंदिर में, जैसे कोई मंदिर में जाते हैं तो वहां परिक्रमा करने का रहता है ना? चार विष्णु परिक्रमा चार है, शिव जी की परिक्रमा 3 है जी, और किसी का 1.5 भी है जी प्रभु जी। विष्णु परिक्रमा 4 बार करना होता है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले। ये पूछना था आज का जो टॉपिक था रिगार्डिंग मतलब दान पुण्य का, तो मेरे 2 प्रश्न थे उसमें कि एक तो हम लोग जो दान करते उसमें नाम लिखते तो उसका पुण्य नहीं मिलता, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो वो सही है क्या? नाम लिखते हैं तो वो दान का पुण्य कम हो जाता है, ऐसा सही है क्या? मतलब एनोनिमस दान करना चाहिए जिसका मतलब पता न चले, ऐसा प्रभु जी? पुण्य कम हो जाता है वाली बात नहीं है, लेकिन गुप्त दान कहते हैं उसको। हाँ, वही गुप्त दान बिना नाम के किया जाता है, ताकि कहते हैं ना कि दाएं हाथ से दान दो तो बाएं को पता ना लगे। सही बात है, ऐसा भी बोलते हैं, वो भी एक वो है। लेकिन जैसे कभी कभी जब मंदिर में हम कुछ कराते हैं हाँ, तो रसीद देते हैं वो या मेरा नाम लिखते हैं तो वो तो नहीं गलत करना नहीं है, गलत नहीं है प्रभु जी, गलत नहीं है वो जी, क्योंकि हम भगवान के काम के लिए उनके उन श्रद्धा से उनके पूजन के लिए उनके भोग के लिए या उनके मंदिर के लिए दान कर रहे हैं तो वो सही है, हर ढंग से सही है प्रभु जी। बट फिर गुप्त दान ज्यादा फलित होगा क्या, ऐसा है? थोड़ा सा हल्का सा फर्क है गुप्त दान में, लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है प्रभु जी। अच्छा, और एक और एक माता जी, मतलब अभी मैं मेरा अर्निंग है उस हिसाब से दान करूंगा, सही बात है? तो मेरा मैं 100 रुपए दान कर पाता हूँ, कोई 1000 रुपए करता है, कोई 1,00,000 रुपए करता है, तो उसमें भी फर्क? इसमें अपनी श्रद्धा, ओके ओके, श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, ओके ओके ओके, श्रद्धा और सामर्थ्य से जो प्रेम से भगवान की सेवा, वो 1 पैसे से भी होगी 100 रुपए से भी होगी, उसमें श्रद्धा। आज श्रद्धा के बारे में था ना पूरा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा हमारा प्रेम देखा जाता है प्रभु जी, और कुछ नहीं, संख्या नहीं देखी जाती जी। ओके और एक माता जी रिगार्डिंग खाना था, मतलब प्योर शुद्ध शाकाहारी में भी अगर हम लोग गरम या तीखा खाते हैं तो वो भी तामसी हो जाएगा माता जी? नहीं नहीं प्रभु जी, तामसी जैसे लहसुन प्याज, अच्छा लहसुन प्याज, मसूर की दाल, मसूर की दाल, ये तामसी में आता है। अच्छा, ये तीनों चीजें भक्तों को वर्जित है, और इन तीनों चीजों का हम भगवान को भोग नहीं लगता है, हम लोग नहीं लेते हैं प्रभु जी। मतलब फिर अगर मैं और मतलब खाना बनाने के वो 3 घंटे में ही वो शुद्ध होता है प्रभु जी? ऐसा नहीं है, ये क्या था, ये जो भगवत गीता जब लिखी गई उस टाइम पर लोगों के घरों में फ्रिज वगैरह ये साधन नहीं थे। सही बात है माता जी, इसलिए तो जैसे गर्मी है तो प्रभु जी 3 घंटा भी कहाँ रहेगा वो खाना, खराब हो जाएगा ना, इसलिए कहा गया, इसलिए कहा गया है। और अगर आप भगवान को भोग लगा कर खा रहे हैं वो तो प्रसाद है, उसे तो आप सुबह का रात को भी खा सकते हैं, खराब नहीं होता है। सही बात है माता जी, क्योंकि वो प्रसाद है जी प्रभु जी। तो पूरी बात श्रद्धा की है, अगर हम लोग श्रद्धा से सारी कुछ भी मतलब अच्छी चीजें कर रहे हैं तो वो फलित होगा, नहीं तो फलित होगा अवश्य होगा, भगवान पर श्रद्धा, भगवान से प्रेम। बराबर है माता जी, जी। और एक माता जी पूछना था, ये लेवल 2 का मेरे को आपका लेक्चर अटेंड करना है अभी अगले महीने, तो लेवल 2 का लिंक नहीं है क्योंकि अभी ये जो भी लिंक आए हैं ना माता जी वो फिर ये मतलब लेवल 1 की ही लिंक है, तो लेवल 2 प्रभु जी कल जब ये क्लास खत्म होगी आपको सारे लिंक आएंगे, लेवल 2 का भी, लेवल 2 का, लेवल 3 का, और सारे समय आएंगे, कौन क्लास ले रहे हैं वो भी आएगा,
तो आपको जो समय सूट करे आप उस समय क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके और माता जी अगले महीने आपका भी आपका टाइमिंग क्या रहेगा, वो भी टाइम पे हम लोग हमारा टाइम नहीं आपके टाइम पे रजिस्टर करेंगे तो ये टाइम रहेगा प्रभु जी, यही टाइम मैं सोच रही हूँ यही रहेगा, मतलब माता जी और दिन में प्रभु जी दिन में भी लेती हूँ मैं 3 बजे और 7 बजे। हाँ 3 बजे का मैं सुनता हूँ माता जी, कभी कभी 7 का सुनता हूँ, तो अगले महीने भी आपका हिंदी रहेगा, हिंदी स्लॉट और 7 बजे का रहेगा, ये रहेगा 3 और 7 रहेगा जी। ओके आप लेवल 2 नहीं लेंगे माता जी? प्रभु जी सारे लोग लेवल 2 लेंगे तो फिर ये 1 कौन लेगा? सही बात है माता जी, नहीं वो ऐसा लग रहा कि आपसे सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा तो, लेकिन ये रह जाएगा ना फिर अगर इसको लेने वाला कोई होगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा जी। ओके 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 धन्यवाद माता जी, आपका गुरु जैसा आशीर्वाद रहे हमारे पास। नहीं प्रभु जी आशीर्वाद जरूर रहेगा लेकिन गुरु तो प्रभुपाद जी है सबके। सही माता जी, जी धन्यवाद माता जी, नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उज्ज्वल प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी बोलिए। हाँ माता जी मुझे एक क्वेश्चन जो मैंने कल एग्जाम अटेंड किया था उसमें लिखा हुआ था इस्कॉन 4 अधिकृत अनुशासन अधिकारी उत्तराधिकारियों में से किससे संबंधित है, ये प्रश्न मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका उसमें दिया होगा ना प्रभु जी, नीचे 4 ऑप्शन भी तो दिए होंगे ना। हाँ ऑप्शन में दिया हुआ था लेकिन वो ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ, बोल रहा था ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय श्री हाँ, संप्रदाय माधव गौरीय संप्रदाय ये फर्स्ट जो है फर्स्ट है प्रभु जी। हाँ इसको मैंने इस परंपरा को मानते हैं, ये ब्रह्मा ये जो है गौड़ीय संप्रदाय जो है माधवा गौड़ीय संप्रदाय। हाँ माता जी मैंने इसे मैंने सिलेक्ट किया था लेकिन ये इनकरेक्ट बता रहा है माता जी। इसके साथ और कौन से दिए थे प्रभु जी? इसके साथ तो और भी ऑप्शन है जैसे श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय कुमार संप्रदाय, तो मैंने ब्रह्म माधव गौड़ीय फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है प्रभु जी। जैसे कि मैंने उसे सिलेक्ट करके जब मैं करता हूँ तो इनकरेक्ट और करेक्ट का ऑप्शन आता है तो उसमें इनकरेक्ट बताया गया। नहीं नहीं ये करेक्ट है बाबू जी। अच्छा अच्छा वही बता रहा हूँ फर्स्ट करेक्ट है। हाँ 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 जी माता। और एक प्रश्न था माता जी, जो हम लोग जो दान करते हैं जैसे पूर्णिमा में हो या फिर किसी दिन में हो गुरुवार माने सोमवार से लेकर शनिवार या रविवार हो तो हम लोगों को किस दिन दान कर, जैसे घर में कोई मतलब एकादशी आ जाते हैं एकादशी को कीजिए अगर कोई शुभ है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय बहुत शुभ है मंदिर में जब भी आप जाते हैं कुंडी रहती है और जो घर कुंडी में दान कीजिए और जो घर में और जो घर में चले आते हैं माता जी घर में जो चले आते हैं उनके लिए क्या करूं, बृहस्पतिवार को खासकर आ जाते हैं कभी उनको प्रभु जी खाना दे दीजिए भोजन दे दीजिए बस दे दीजिए पैसा मत दीजिए जी। तो जी, दिन को लेके कोई शिकायत नहीं ना रहती? नहीं नहीं उनके लिए दिन का नहीं है, असल में क्या है उनके बारे में हमें पता नहीं है, वो आपसे दान लेकर अगर नशा करेंगे तो आपको भी पाप आएगा। हाँ हाँ वो तो आपने बताया माता जी। तो उनको भोजन करा दीजिए भोजन दे दीजिए, अगर उनको वस्त्र की आवश्यकता है वस्त्र कपड़े दे दीजिए इस तरह से दे जिस चीज को आपको लगे कि इनको आवश्यकता है वो दे दीजिए पैसा मत। हम लोग चावल दे देते थे चावल में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कुछ भी दे दीजिए पैसा मत दीजिए नगद। ओके ओके जी माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राजीव प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी। माता जी आज जो आपकी ये क्विज चलती है जो उसमें 18 चैप्टर की है जी जी, उसमें फर्स्ट चैप्टर का तो कर दिया ठीक से अटेम्प्ट जी, 10 में से 8 क्वेश्चन भी हो गए ओके जी, उसका कारण ये है कि वो पहला उसका कारण भी है ना, उसका कारण है कि पहला अध्याय जरा घोट घोट के पिया हुआ है हमने, मतलब उसको अच्छी तरह से समझा है, जब उसके सेकंड उसमें गया तो उसका कोई भी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। इसका तो मतलब ये प्रभु जी जो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं ना 4 उसी में उत्तर रहता है माता जी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बट वो बात वही घूम के आ गई ना कि जब दूसरे अध्याय में पहुंचा तो उसके प्रश्न जो मुझे समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
दूसरे अध्याय के प्रति जो मेरी नॉलेज है वो एकदम 0/0 के आसपास है। और नहीं, आप पीडीएफ से भी सहायता ले सकते हैं प्रभु जी, आपके पास पीडीएफ आता है ना हर हर उसका अध्याय का, वो आपको मदद करते हैं। पीडीएफ को देखिए फिर हल कीजिए। जी जी प्रभु, समझ गया। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं इसमें भक्ति में या उसमें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे साथ ये है कि माला जो है वो मुंह से तो सिमरन होता है, मुंह से तो जप हो जाता है, बट माला के साथ नहीं होता है, उसका क्या करना चाहिए? माला के साथ करना अच्छा है। नहीं, वो माला के साथ करने में क्या है, हमसे गलतियां नहीं होती है प्रभु जी, वैसे जी। करने में हम गलती कर सकते हैं, माला हाथ में लेके करने में आप शुरू तो कीजिए, फिर अच्छा लगेगा आपको। अरे माता जी, मैं क्या बताऊं, मतलब कई बार किया, मतलब करता हूँ फिर थोड़े दिन बाद छूट जाती है, फिर करता हूँ फिर छूट जाती है, मतलब कंटिन्यूटी जो होती है ना, मतलब कोई कह दे कि 7 दिन में लगातार हो जाए, वो भी नहीं हो पाती माता जी। नहीं होगी, आप कीजिए उसको, आप अपना ध्यान से कीजिए, ध्यान लगा कर कीजिए और ये सोच कर कीजिए, मैं इस माला में पवित्र भगवान का नाम जप रहा हूँ, ये माला मेरे लिए बहुत ही शुभ है, और सम्मान के साथ कीजिए, आदर के साथ, धीरे धीरे होगा। जैसे आज बताया ना, श्रद्धा बढ़ेगी आपकी उसके प्रति, अवश्य होगा प्रभु जी, अवश्य होगा। जी जी जी, शुक्रिया। हरे हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। रीता माता जी, आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। बोलिए माता जी। बोले। 2-3 दिन से सवाल ही नहीं पूछ पाए क्योंकि नंबर भी नहीं आता था और लेट भी हो जाता था। जी माता जी, मेरा 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे परसों का जो चैप्टर था ना अपना, उसमें दैवी शरीर और आध्यात्मिक शरीर, तो मुझे उसका ना थोड़ा सा शॉर्ट में समझना है कि दैवी शरीर, बाद में आपने समझाया वो गुणों के बारे में तो वो थोड़ा बहुत ध्यान में आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अध्यात्म शरीर और दैवी शरीर के बारे में पूछना है। माता जी, उसमें जैसे हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की ना, भक्ति के पथ में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पथ है आध्यात्मिक पथ जी, भगवान की भक्ति की राह में धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ रहे हैं वो आध्यात्मिक पथ है, उसके लिए श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवत नाम का जप कर रहे हैं हम, भगवत गीता सुन रही हैं आप, भागवत महापुराण सुन, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये आध्यात्मिक प्रगति होगी, इसमें धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, और इसी वजह से हम फिर इस भौतिक बंधन से निकल पाएंगे जिसमें हम सब हैं बंधे हुए, उससे निकल पाएंगे। जी 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 जी, तो ये आध्यात्मिक शरीर हो गया ना, मतलब जैसे हम अपने ये भौतिक शरीर को छोड़ के जो ये शरीर, माता जी ये तो हमें तब प्राप्त होगा आध्यात्मिक शरीर, तो जब हम भगवान के अनन्य भक्त बन जाएंगे जी, परम भक्त बन जाएंगे जैसे प्रभुपाद जी थे जी, पहले उसके लिए हम इस मार्ग पर बढ़े तो आगे। नहीं नहीं, सवाल वही था माता जी, और देवी शरीर का क्या क्या होगा माता जी, जो अनन्य भक्त बन जाएगा, भगवान का परम भक्त बन जाएगा, वो सीधे भगवत धाम जाएगा, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर मतलब भगवान का जैसा शरीर, और जो देवी शरीर है वो है जो देवताओं की पूजा करते हैं, दान पुण्य ये चीजें करते हैं और यज्ञ भी करते हैं कि हमें देवलोक जाना है, स्वर्ग लोक जाने के लिए, जब वो इस सब ये कर पाएंगे, पुण्य उनके इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनको देवताओं का जैसा शरीर मिलेगा, वो है देवी, देवताओं का जैसा शरीर मिलेगा, और वो स्वर्ग का सुख भोगेंगे, देवलोक का सुख भोगेंगे, तब तक जब तक उनके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते, जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त होंगे वो फिर से इसी भौतिक जगत में आ जाएंगे। जी माता जी, जी माता जी, और सेकंड क्वेश्चन ये था माता जी, जैसे सृष्टि निर्माता जैसे भगवान श्री कृष्ण, मतलब विष्णु रूप से ही उन्होंने सृष्टि निर्माण की, ब्रह्मा भी को भी उन्होंने, ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ उन्होंने अस्तित्व में लाया, तो ये जी ये सब अस्तित्व में आने से पहले भी भगवान का अस्तित्व वही वैकुंठ में था श्री जी माता जी, सबसे पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी उससे पहले सिर्फ भगवान थे और कुछ नहीं था, न सूर्य न चंद्र न कोई और, जो भगवान ने पहली सृष्टि की वो ब्रह्मा जी की पहले अपना विस्तार किया गर्भोदक साई विष्णु के रूप में,
उनकी नाभि से एक कमल नाद जो बहुत ऊंचे गई, उसमें फिर कमल का फूल उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, ये भगवान के द्वारा की गई पहली सृष्टि थी। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उसके बाद भगवान की सहायता से और सृष्टि रची गई। हाँ, मतलब जैसे आपने वो बताया था कि ब्रह्मा जी नाल पकड़ते हुए नीचे तक शिव सागर आए थे। ये जानना चाह रहे थे कि वो कहाँ से आए। हाँ, तो वैसे ही सवाल ये मेरा भगवान विष्णु जी के बारे में था कि उनको, वो भी पहले से ही अस्तित्व में थे, उन्होंने उनको किसी को अस्तित्व में नहीं लाया, मतलब जैसे ब्रह्म ज्योति हो गई या ब्रह्म ज्योति तो भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है माता जी। जी 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 जी, मतलब सिर्फ भगवान का ही अस्तित्व था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। जी माता जी, और एक लास्ट सवाल माता जी, जल्दी पूछिए। यस यस यस, बस अपन आज का जो चैप्टर था कि जैसे अपन दान करते हैं, तो अभी देखो कई बार होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने पास कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि पता नहीं ये खाएंगे या कुछ इसका कुछ अच्छा उपयोग करेंगे, इनडायरेक्टली अपने माँ बाप के पास जाके देंगे, तो उसका भी पाप पुण्य में कुछ अपना सहभाग हो जाएगा उसमें। बिल्कुल माता जी, अगर वो पैसा गलत कार्य में जा रहा है तो इसलिए क्या कीजिए, तीर्थ स्थान में जब आप देखते हैं ना ये लोग हैं, तो आप फल खरीदिए, फ्रूट्स खरीदिए, खूब सारा बांट दीजिए, या आसपास में कोई खाने की सामग्री है तो वो खरीद के बांट दीजिए, वो सबसे अच्छा अति उत्तम है। जी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जनार्दन प्रभु अपना प्रश्न पूछिए। जनार्दन प्रभु अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी, जी प्रभु जी, बोले बोले। आपने ऐसा कुछ बताया ना कि जैसे ओम तत्सत के बारे में बताया, तो दान के समय क्या हमें इसका उच्चारण करके देना चाहिए तत्सत? ये उच्चारण करके देना बुरा नहीं है प्रभु जी, लेकिन इसका ज्यादातर उच्चारण हमको सुनाई देता है जब ये घर में जब हम पूजा कराते है ना। हाँ, तब या कोई नामकरण संस्कार है या कुछ भी है, तब ब्राह्मण इन चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ओम तत्सत या ओम इसका इसका। जी जी प्रभु जी जी, ऐसा नहीं ना हम कभी किसी को दान दे रहे तो ऐसा उच्चारण करके कर सकते हैं, कर अच्छा सकते है, अर्थ कर सकते हैं। अच्छा है प्रभु जी, जी ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा या बोले बोले प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सुन सकते हैं? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए। अभी आपने बताया कि मसूर की दाल वर्जित है, क्योंकि मैं मसूर की दाल बहुत खाता हूँ, तो मुझे एकदम से टिगर। लेकिन प्रभु जी आप लहसुन प्याज खाते हैं ना? लहसुन प्याज भी खाता हूँ। हाँ, तो वो तीनों चीजें हैं, लहसुन प्याज की दाल क्यों है? वो भी तामसी है, इसलिए ये तीनों चीजों को तामसी कहा गया है। मसूर की, सिर्फ मसूर की दाल और कोई नहीं, मसूर की दाल और लहसुन प्याज, ये ऐसा क्या होता है माता जी? तामसी है प्रभु जी, लहसुन प्याज की तरह, इसलिए क्योंकि ये जो है ना तामसी चीजें खाने से भक्त के मन विचलित होता है भक्त का, तो इसलिए हम लोग ये नहीं खाते हैं। दूसरा, इसको भगवान के भोग में तीनों चीजें नहीं जाती। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। माता जी, मेरा सिर्फ दो सवाल है। सबसे पहला, आपने बताया कि हम किसी को अगर दान देते हैं, ठीक है, तो राहगीर को मतलब कुछ खाना हो गया, ये हो गया, और जैसे हम अभी जैसे कभी कभी हम रोड पे देख लेते हैं कि कुछ बच्चे मीन्स जिनका अपंग होते हैं, लाइक जिनका हाथ नहीं होता, वो लोग आ जाते हैं, और जी, जी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वैसे टाइम पे तो हम खाना लेके तो घूमेंगे नहीं, ऑब्वियसली उनको कुछ देते हैं। हम नहीं जानते जी, ऐसा है ना कि हमारे इसमें भगवत गीता में भी दान देने के लिए मना नहीं है, कहा गया है दान जो जो वो है ना सोच समझ के देना चाहिए, सही पात्र को, जिससे हमें पता हो कि ये सही कार्यों में खर्च होगा या भगवान की सेवा में खर्च होगा, भगवान के लिए खर्च होगा, ऐसा सोचकर सही पात्र को देने के लिए कहा गया है। जैसे शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, उसका आपको पता है ब्राह्मण का नाम, नाम का ब्राह्मण नहीं या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं, जो सही मायने में जो ब्राह्मण है उसको दान देने को कहा गया है।
और क्योंकि आपको पता है वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा उसका, इसलिए कहा है कि समझ के जो सही इस्तेमाल करे आपको पूरा पता है, तब जैसे कोई आपके घर में कोई कर्मचारी होता है, कोई सर्वेंट है आपका, उसको जरूरत है, गरीब है, जरूरत है उसको, और आपको ये पता है कि इसको मैं अगर मदद करूंगा तो ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए कहा है कि जानबूझकर सही पात्र को दान देना चाहिए। जी माता जी, कंसर्न मेरा वो नहीं है, कंसर्न देखिए हमको नहीं पता कि कौन जरूरतमंद है और कौन जरूरतमंद नहीं है, क्योंकि कुछ अपंग होते हैं जिनके हाथे नहीं होते हैं और मतलब वो रास्ते में आपको मिल जाते हैं, और वैसे अगर वो आपको मांग लेते हैं और अगर आप नहीं देते हो कभी कभी वो भी एक मीन्स क्या बोलते हैं उसे, हम उसमें भी मीन्स उस चीज के पात्र हो जाते हैं, लाइक अगर वो सही में जरूरतमंद है और हम अगर नहीं देते हैं तो हम उसमें भी पाप के भागी हो जाते हैं। तो वही मेरा पूछना है कि जब ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके भगवत गीता के अनुसार तो जब आपको ये पता है कि इसको जरूरत है, मैं इसको दान कर रहा हूँ, साथ में आपको ये भी जानना है कि ये इसका अपने ऊपर ही इस्तेमाल करेगा या गलत उसमें नहीं करेगा। जी। जब तक हमें ये पता नहीं है तब तक हम दान करेंगे, अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है 50% पाप हमको भी आएगा, ये साफ लिखा है भगवद गीता में। इसलिए सही पात्र को सही जगह पर सही समय में दान देने के लिए कहा गया है, या आज के अध्याय में भी कहा गया है। जी प्रभु जी। जी जी माता जी जी, जी। और जी। ये हरे कृष्ण, आखिरी सवाल, बोलिए। आपने बताया था कि तीन सात्विक गुण, तमोगुण और रसोगुण तीन है, तो इसमें से आपने बताया था कि पहले वाले में जो है एकदम शुद्ध खाना, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी खाना, और तो अभी ऐसे सिचुएशंस हो गए हैं कि जो भी चीज है वो शुद्ध नहीं है। जी, जी जी, तो मैं वही जानना चाहता हूँ ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए, मतलब लाइक आपने बताया कि प्रभु को, क्योंकि आप उसे प्रसाद के तौर पर चढ़ा सकते हो और जी, उसे खा सकते हो। प्रभु जी, उसके लिए क्या 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 कहा गया है कि हम खुद बनाएं जो जी शुद्ध शाकाहारी भोग जो हम भगवान के लिए तैयार करते हैं जी, बिना लहसुन प्याज मसूर की दाल के स्नान करके धुले कपड़ों में जो हम भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं शुद्ध शाकाहारी भोग जी। और उसके फायदे भी मैंने आज आपको बताए उस भोग के, अगर हम उसको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद है फिर वो अमृत है प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और फायदे हैं उससे फिर। जी जी प्रभु जी, क्योंकि भगवान का झूठा है। जी जी माता जी, लास्ट 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 मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी एडमिन से गुजारिश है कि क्योंकि जो भी प्रीवियस चैट्स होते हैं ना, जैसे आपने बताया कि पीडीएफ में आप देख के पढ़ सकते हो, तो पीडीएफ जो है वो डिलीट किया जा रहा है बार बार, एंड उसके वजह से लास्ट पीडीएफ जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आइदर 8th और 10th पीडीएफ, 10th डे का पीडीएफ जो है। प्रभु जी वो आपको एक बार और भेज देंगे सारे, आप चिंता मत कीजिए। एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, वो डिसअपीयरिंग मैसेज है ना 7 days में डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि काफी डेटा हो जाता है ना इसके लिए हैंग होता है, और आज वैसे भी कल खत्म हो जाएगा तो 18 days का पूरा दोबारा से भेजेंगे। प्लीज आप सेव करके रख लीजिए अपने ड्राइव पे, लोकल ड्राइव। जी माता जी, जी जी माता जी, प्रभु जी फिर से आएगा, फिर से आपको समय मिलेगा। जी 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 प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, प्रभु जी आप हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। हरे माता जी, मेरे को एक दान के बारे में ही पूछना था। हमारे गांव में, विलेज में, महाराष्ट्र में रहता हूँ, वहाँ पे ना शुक्रवार को ट्रांसजेंडर लोगों को, मतलब तृतीय पंथी लोगों को दान करने की प्रथा है, बट वो काफी लोग मतलब सही है गलत है वो उसका बारे में नहीं पता, तो वो काफी तो है, तो उसके बारे में आपका क्या है मतलब बोलना? प्रभु जी, प्रथा को मानना या नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार अगर आप चलते हैं तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि इस दान का सही उपयोग होगा या भगवान की सेवा में होगा, तब दान देने से फायदा नहीं। ओके ओके, आप जान के सही पात्र को समझकर तब दान कीजिए, सही जगह में सही पात्र को। जी प्रभु जी,
क्योंकि पुरानी जो परिपाटी है कुछ वो सही नहीं भी होती है, बाबू जी सही भी होती है सही नहीं भी होती, तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए क्योंकि जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बराबर है, क्योंकि वो काफी बार ऐसे अंधश्रद्धा जैसा लगता है माता जी। नहीं वो ठीक नहीं है बाबू जी, सही बात, अगर उस पैसे का दुरुपयोग होगा तो आपको भी पाप आएगा जी बराबर है। और ये तृतीय पंथी लोगों का मतलब दान रहता है क्या, किधर ऐसा लिखा हुआ है क्या वेदों में वगैरह? नहीं पता नहीं प्रभु जी, भगवत गीता भागवत में तो नहीं है। बराबर बराबर, वही मेरे को पूछना था क्योंकि मतलब मेरे को भी नहीं था इसके लिए पूछा जी प्रभु जी, ये दोनों तो मैंने पढ़े हैं, इन दोनों में तो नहीं। ओके हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोगों को सॉरी मैं लेट कर दिया। नहीं नहीं माता जी, सबको अभी तो एक दिन बचा है, सबको बहुत सारा प्रश्न रहता ना माता जी। जी 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 माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, बहुत लेट कर दिया सॉरी आप दोनों को, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्णा जी जी, कल मिलते हैं प्रभु जी, कल मिलते जी माता जी, हरे कृष्णा।